कहाँ हम कहाँ तुम। रब से मांगू तुझे हरदम। चले पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ तो सोनाक्षी जी, आज एक बार फिर आप मेरे सामने इसी कुर्सी पर और मैं आपके सामने, और आज भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप मुझे सिर्फ सच्चाई बताएंगी। उस वक्त मेरे और पापा के बीच उस कमरे में जो भी बातें हुई मैं आपको सब बताती हूँ। तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ नरेन, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारी जरूरत है नरेन। ओके, अभी के लिए मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, इसलिए हम इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अब जा सकती हैं, लेकिन हाँ, हमारे दोबारा बुलाने पर आपको यहाँ आना पड़ेगा। ओके जी, मैं समझती हूँ। यहाँ सिर्फ मैं आई हूँ सोना, उन सिप्पीज में से कोई नहीं आया यहाँ, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है। चलो घर। नहीं माँ, माँ मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, रोहित को मेरी जरूरत होगी, मम्मा को और पापा इस वक्त इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं घर कैसे आ सकती हूँ। सोना तू इतनी बड़ी इमोशनल फूल क्यों है, अभी तक तुझे समझ में नहीं आया? सोना, सिप्पीज ने तुझे नरेन सिप्पी की हालत का जिम्मेदार करार करके पुलिस के हवाले कर दिया, उनमें से एक नहीं आया है यहाँ, अभी भी तू उन्हीं थैंकलेस और सेल्फिश लोगों के पास जाना चाहती है। माँ प्लीज, आप समझोगे नहीं, इट्स जस्ट भाभी, भाई का फोन। रोहित, कुछ बोलो, तुम ठीक हो ना? हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? सारी पूछताछ जस्ट अभी पूरी हुई है और जाने दिया आप उन्होंने मुझे। सोना सॉरी, मुझे मॉम के साथ रुकना पड़ा, मैं आ नहीं पाया, इसीलिए मैंने अजीत को भेज दिया वहाँ पे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि तुम्हारी जरूरत वहाँ ज्यादा है। पापा कैसे हैं और मम्मा? पापा तो वेंटिलेटर पे हैं, लाइफ सपोर्ट पे। मॉम को इंजेक्शन दिया है मैंने। तुम आ रही हो यहाँ पे? हाँ, ऑफ कोर्स, बस थोड़ी देर में पहुंचती हूँ, अभी निकल रही हूँ। ओके। हाँ, मुझे हॉस्पिटल जाना ही होगा, रोहित को, पूरी फैमिली को मेरी जरूरत है। मम्मा अजीत चलो। आप एक काम कीजिए, आप बड़ी मम्मा और चाचू को लेकर घर जाइए, मैं तान्या और मॉम को लेकर आता हूँ। तुम यहाँ अभी तक? तो मुझे और कहाँ होना चाहिए रोहन, तुम्हें याद है ना कि तुमने कहा था कि मेरे पास आओगे, तुम तो आए नहीं। परी प्लीज होल्ड ऑन, देखो ना ही ये सही वक्त है और ना ही सही जगह ये सब डिस्कस करने के लिए, तो प्लीज तुम घर जाओ। रोली, तो तुम मुझे सही वक्त और सही जगह बता दो एंड आई विल कम।
मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी प्रेग्नेंट वाइफ को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करने के लिए, और तुम्हारे खिलाफ मेरे पास रिकॉर्डेड प्रूफ है, और मैं जो एलिमनी क्लेम करूंगी वो तुम कैसे दोगे वो मुझे नहीं पता। बोलो, चुप क्यों हो? कभी नहीं, ना अब, ना आज और ना कल। परी, इट्स ऑल ओवर। परी, ओवर मतलब खत्म। साफ साफ शब्दों में आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, समझी तुम? तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। You love me. मेरे लिए तान्या को छोड़ दोगे वो सब क्या था रोहन? नहीं परी, मैं तान्या को नहीं छोड़ सकता। वो मेरी पत्नी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, ना ही उसे तलाक दे सकता हूँ। ये बात तुम अपने दिमाग में जितनी जल्दी डाल लो ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर इस चीज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, लेकिन उसके बाद तुम मुझे ना ही कभी फोन करोगी और ना ही कभी मिलने आओगी, समझे? इतना सारा क्या? तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ सो सकते हो और बदले में मुझे पैसे दे दोगे? समझते क्या हो तुम मुझे? Am I some kind of a? अपनी बीवी का लगाया हुआ इल्जाम सच करना चाहते हो क्या तुम? परी प्लीज, ये मेलोड्रामा बंद करो यहाँ पर, ओके? आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलना चाहता, और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट और शर्म है ना, तो आज के बाद मुझे फोन नहीं करोगी। जस्ट गो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? इस आदमी से सालों से नफरत की मैंने, आज भी करता हूं पर ऐसे देख नहीं पा रहा हूं। तुम सही कह रही थी, मम पापा के बिना नहीं रह पाएंगे। कैसे? मम्मा? मम्मा बहुत एंग्शियस हो रही थी, रेस्टलेस हो रही थी, तो मैंने सेडेटिव दे के घर भेज दी। आई जस्ट होप आज रात सो जाए। सोना, सॉरी, मम की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। रोहित, सच्ची ये सब मम बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो बिखर गई है पूरी तरह, समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रही है। मैं जानती हूँ उनकी कंडीशन इस वक्त क्या है, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सोनाक्षी को पुलिस ने इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया? नो 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 नो, रोहित सोनाक्षी का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो सिर्फ मैंशन में ही रहेगी, और अगर वो वहां रही तो वो ये पता लगा लेगी कि नरेन भाई ने सुसाइड कमिट नहीं किया। नो नो नो, बीना भाभी ने मुझे बताया था कि सोनाक्षी ने शादी से पहले प्रीनप अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बारे में रोहित नहीं जानता। अब इस मामले को कैसे उछालना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।